Hey yo, check this out. Red Zone in the house. Welcome back to Red Zone. This is your boy Ricky Karkera. So how you guys doing? Okay, भाई लोग मतलब दिल से सबको बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब कोलाबा के वीडियो पे तुम लोगों ने इतना प्यार दिखाया ना, लाइक मैं वीडियो में इसके लिए बोला था कि मेरे को सबका कमेंट दिखना चाहिए और सब लोगों ने कमेंट किया, तो वो वाली चीज़ मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। तुम लोगों का एक एक जन का जो भी कमेंट पढ़ता हूँ ना, सबसे अच्छा मेरे को वही चीज़ लगता है। वीडियो पे रीच आए या नहीं आए, मतलब आने तो वाला ही है, बट उस पर इतना ध्यान नहीं देता हूँ, बट कमेंट जो तुम लोग करते रहते हो ना कि भाई मतलब बहुत प्यार, सबको बहुत ज़्यादा प्यार। और अभी ये वाले वीडियो का भी मेरे को पता है कि अपसाइक्लिंग का वीडियो तुम लोग देख के आए रहोगे, जो थंबनेल में मैंने फोटो डाला। तो अभी जो भी चैनल पे नए हैं, अभी ये तुम लोगों ने जो टी शर्ट देखा रहेगा, वो मैं एक टी शर्ट कभी भी नहीं करता अपसाइकल, मैं एक वीडियो में 3 से 4 प्रोडक्ट हमेशा लेता ही लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैंने पहले भी बना दिए, लाइक 3 या 2 वीडियोज़ मैंने अपसाइक्लिंग के बनाए, तो वो भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो चैनल पे जाके। और एक चीज़ भाई लोग, ये चीज़ मैं हमेशा वीडियो के एंड में बोलता हूँ, बट अभी इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो अगर थोड़ा सा भी तुम लोग को हेल्पफुल लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी चैनल पे नए हैं, और अपने किसी दोस्त को भी शेयर कर देना जिसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है और उसके लिए भी कुछ हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो में। सो क्योंकि इतना ज़्यादा गैप हो गया था ना बीच में, तो अपना चैनल इधर ही अटका है और चैनल को अभी कुछ भी करके मेरे को पुश करना है। सो अभी कंसिस्टेंटली मैं कुछ भी करके वीडियोस ड्रॉप करने का ट्राई करते जा रहा हूँ, और जितना होएगा फटाफट वीडियो ड्रॉप करते रहो। और एक चीज़ जो लास्ट में हमेशा बोलना भूल जाता हूँ, सारे प्रोडक्ट्स जो भी अभी मैं बताने वाला हूँ और जो अपसाइकल करने वाला हूँ, सारे प्रोडक्ट्स का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जाके चेकआउट कर लेना। अभी एक एक प्रोडक्ट बताना अपन चालू करते हैं, और क्या किससे अपसाइकल करने वाले सब कुछ बता दो, लेट्स गो। सो सबसे पहला प्रोडक्ट होने वाला है अपना ये ब्लैक कलर का टी शर्ट, जो तुम लोगों ने देखा रहेगा ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, एक ओवर साइज टी शर्ट। और इस पर लास्ट टाइम अपन ने किया था, ये तुम लोगों को पता रहेगा कि यहाँ पे एक होल था छोटा सा, तो उसको अपन ने हटा के ये लगाया था। और इसके लिए मेरे को बहुत सारे जन बोले थे कि इसके साथ और क्या कर सकते हैं अपन, तो अभी इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं, और इसको एक नया सा लुक देने वाले अपन। लाइक अभी ये हाफ स्लीव्स है, ठीक है, तो अपन इसको फुल स्लीव्स करेंगे और इसको एक बहुत ही अलग सा लुक देने वाले। और सबसे मेन चीज़, बुक लेना मत भूलना, लाइक बुक में पहले से तुम लोग स्केच या तो कुछ बना के रख दो, मतलब उसका जो पैटर्न रहेगा आउटलाइन पूरा बना के रख दो। इस बार मैंने कलर से बनाया, तो हमेशा इसके लिए मैं बताता हूँ, ऐसा तुम लोग देख सकते हो, तो तुम लोग डिज़ाइन बना के रख दोगे तो तुम लोगों को परफेक्ट आइडिया आ जाएगा, कि एक रफ आइडिया आ जाएगा कि मतलब वो कैसा दिखने वाला है। तो ये चीज़ करना मत भूलना, खाली वो चीज़ याद रखो, ठीक है। तो अभी ये ब्लैक टी शर्ट तुम लोग देख सकते हो, अभी मैं इसको पहन के बताता हूँ कि ये मेरे पे कैसा दिख रहा है। सो ये अच्छा तो दिख रहा है, बट बोलते हैं ना वो एक चीज़ ऐसा स्पार्क ऐसा मिसिंग है थोड़ा सा। तो अपन इसको अभी किसके साथ अपसाइकल करने वाले पता है, लाइक ये टी शर्ट जिसमें से मैंने वो निकाला था, ठीक है, उसका जो प्रिंट तुम लोगों ने देखा, ये वाला प्रिंट, तो मैंने ये स्वेट में से वो निकाला था। और तुम लोगों को लगता रहेगा कि मैंने फेक दिया रहेगा वो, बट कोई भी चीज़ फेक हो मत, अगर कोई भी चीज़ तुम लोग किसी भी चीज़ से अपसाइकल कर रहे हो, तो उसके जो भी मतलब थोड़े बहुत भी पीसेस बचे रहेंगे वो हर जगह या किधर ना किधर लगाने को काम आ सकते। सो अभी इसका ये पूरा चीज़ है ना, मैं इसके ऊपर कवर करने वाला हूँ, लाइक मैंने इसका पूरा डिज़ाइन बना के रखा है। सो अभी निकलते हैं, पहला इसको बताता हूँ अभी टेलर वाले को कि इसके साथ कैसा इसको कट करना है और कैसा इस पर चिपकाना है। हाँ मतलब चिपकाना इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट मैं इसको चिपकाना ही बोलूँगा भाई। तो चलो अभी बढ़ते हैं अपन टेलर के पास। ओके, सो रिजल्ट्स मतलब एकदम परफेक्टली निकले, जैसा मतलब मेरे को चाहिए था, बट टेलर वाले को थोड़ा सा ऐसा समझने को बहुत टाइम जा रहा था, लाइक उसको मेरा डिज़ाइन इतना अच्छे से समझ नहीं रहा था। 2-3 बार उसने स्टिच किया और फिर से उसको स्टिच निकालना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो मैं बार बार उसको बोलते आ रहा था नहीं ऐसा नहीं, मेरे को वैसा चाहिए। तो 40-45 मिनट्स गया मेरे को ये वाला चीज़ बनाने, बट रिजल्ट्स तुम लोग देख सकते हो भाई लोग, देख सकते हो ये आगे मैंने ऐसा रखा है और इसके अंदर से मैंने इसको ऐसा ही छोड़ दिया है। बैक स्लीव्स बैक का ये और ये नीचे से ये, अभी मैं इसको पहन के बताता हूँ, मतलब बाप बाप हुआ है ये वाला चीज़।
सो फर्स्ट प्रोडक्ट तो एकदम डोप हो गया भाई। अभी सेकंड प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं अपन। सेकंड प्रोडक्ट है अपना ये जीन्स, ये स्ट्रेट जीन्स सॉरी, जो मैंने तुम लोगों को एक प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टाइल करके, और इसका तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा टोन हो गया है, और यहाँ का जो नीस का पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा खुल गया, तो मैं ये पेन पेन के थोड़ा सा पक गया था। मैंने सोचा इसको भी अभी थोड़ा सा एक हल्का सा अलग सा लुक दे देते, तो मेरे पास है बंडाना देख सकते हो, और इस पर भी यहाँ पर दाग लग गया। और बंडाना भी अगर तुम लोगों को ख़रीदना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम लोग जाके बाय कर सकते हो। और रेड के साथ मेरे पास ये वाला भी था ब्लैक एंड वाइट, तो मैं सोच रहा था कि कौन सा यूज़ करूँ, तो फिर मैंने रेड वाला भी स्केच करके देखा, मैंने ब्लैक एंड वाइट वाला भी स्केच करके देखा, बट मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा था, तो मैंने सोचा टेलर वाले के वहाँ जाऊँगा तो तभी देख लूँगा लाइक जो भी करना रहेगा। तो तुम लोग इसका भी फिट देख लो पहले ये कैसा दिख रहा है, और सीधा अपन बढ़ते फिर टेलर वाले के पास। तो ये जीन्स भी बहुत ज़्यादा क्लास हुआ है, और तुम लोगों ने देखा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि रेड वाला लगाओ या ब्लैक एंड वाइट, बट वो मेरे को टेलर वाला बोला कि ब्लैक एंड वाइट ही लगा, जैसा तुम लोगों ने देखा। ये देखो ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इस पर, क्योंकि रेड का जो पैटर्न था ना वो हाफ दिख रहा था इस पर और हाफ नहीं दिख रहा था, तो मेरे को बोला ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्लास दिख रहा है। तो जीन्स भी देखा तुम लोगों ने भाई, मतलब ये भी रावस दिख रहा है, वो बहुत रावस दिख रहा है। अभी मैं उसके साथ और भी कुछ कर सकता था, बट मेरे को उतना ज़्यादा नहीं करना था, थोड़ा सा ऐसा सिंपल लुक रखना था वो जीन्स का इसके लिए। तो अभी बढ़ते हैं अपन अपने थर्ड प्रोडक्ट पे, जो होने वाला है एक टैंक टॉप ब्लैक कलर का, और ये टैंक टॉप के साथ अपन क्या करने वाले, लाइक इतने सारे जनों ने मेरे को ये चीज़ पूछा है ना, मैंने इस पर बंडाना जो चिपकाया था, तुम लोगों को इधर फोटो दिखता रहेगा ये वाला, तो ये फोटो के बारे में मेरे को बहुत सारे जनों ने वीडियो में पूछा था कि भाई ये आपने कहाँ से लिया, ये एक्चुअली मैंने अपसाइकल किया है, ठीक है, बट ये सेम प्रोडक्ट तुम लोगों को H&M पे मिल सकता है ना नहीं, बट बहुत महंगा मिलेगा, ठीक है। तो ये सैंडो का मैं लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तुम लोग जाके बाय कर सकते हो। सो लाइक ये टी शर्ट को अपन करने वाले सिर्फ एक बंडाना से अपन इसको अपसाइकल करने वाले। तो अभी तुम लोग इसका नॉर्मल फिटिंग देख लो, लाइक मतलब ये कैसा दिख रहा है, एक नॉर्मल जो टैंक टॉप रहता है वैसा। तो ये टैंक टॉप अपन आराम से स्टाइल कर सकते हैं, लाइक ये जैकेट के इसके ऊपर जैकेट पहन लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा, शर्ट पहन लिए या ओवरसाइज शर्ट पहन लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा, बट क्या अपन इसको एक ओवरसाइज टी शर्ट के अंदर पहन सकते हैं, या एक स्वेटशर्ट के अंदर पहन सकते हैं, या एक ओवरसाइज स्वेटशर्ट के अंदर पहन सकते हैं, किसी के भी अंदर पहन के इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो सिर्फ एक बंडाना से मैंने इसको स्टाइल किया है, तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि ये स्वेटशर्ट के अंदर अगर तुम लोग पहन रहे हो तो ये बंडाना नीचे से बाहर निकाल के बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, लाइक मतलब बहुत क्रेजी लुक आता है उसका। और मेरे को बहुत सारे जन ये चीज़ के बारे में पूछे भी है कि भाई कहाँ से लिया है, तो मैंने इसको अपसाइकल किया है, मेरे पास वो H&M वाला भी है, बट मेरे को आइडिया आया था जब मैंने हनी सिंह का वो लव डोज गाना है, आई गेस हाँ लव डोज ही है, तो मैंने जब उसका वो वीडियो देखा था तभी मैंने ये देखा था टैंक टॉप के नीचे इस पे बंडाना लगा के रखा है, तो तभी मेरे को आइडिया आया कि भाई मतलब ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा डोप दिखेगी अगर किसी के भी अंदर पहन के चले तो, या अगर नॉर्मली भी पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। तो ये वाला चीज़ तो तुम लोगों को एटलीस्ट बना सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और खर्चा भी तुम लोगों को कुछ भी नहीं आएगा यार, मतलब 20 या 30 रुपये का तुम लोगों को खर्चा आएगा सिर्फ टेलर के पास। तो ये हो गए अभी तक अपने 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये चौथा प्रोडक्ट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जो कि एक स्वेटी है, इसका बैक प्रिंट तुम लोग देख सकते हो, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फ्रंट प्रिंट देख सकते हो, पर इसमें सीन क्या है पता है, ये जो इसके स्लीव्स है ना ये मेरे को नहीं पसंद है, लाइक ये जो बना के रखा है मेरे को सच में नहीं पसंद आया, और इसमें ये एक स्लीव्स का अलग कलर है नीचे से, और ये जो एक स्लीव्स है उसका अलग कलर है, तो मेरे को ये इतना सच में नहीं पसंद आया,
बाकी बैक प्रिंट सही है, फ्रंट प्रिंट भी सही है, बट फ्रंट प्रिंट में अपन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये स्वेट के साथ अपन क्या करने वाले, मैं तुम लोगों को बता दूँ। इसका तुम लोग फिटिंग देख लो पहले, सबसे पहले इसका फिटिंग कैसा आने वाला है, उसके बाद सीधा टेलर के पास जाके। सो इसमें तो सिर्फ अपने को स्लीव्स ही हटाना था, और ये बहुत ज़्यादा क्लास दिख रहा है। मतलब अभी इसको पहन के बताऊंगा ना, तुम लोगों को मालूम पड़ेगा। जैसा अपन ऑफ शोल्डर टी शर्ट बोलते हैं ना, वैसा इसको मैं ऑफ शोल्डर टैंक टॉप बोल सकता हूँ। लाइक मतलब ये यहाँ तक इसको मैंने कट रखा है इसका। ये वाला चीज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा डोप हुआ ना। मतलब जब भी अपन ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वैसे का वैसा ही हो ना, तो ऐसा बहुत दिल को सुकून मिलता है यार। अभी अपन बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट पे। सो ये लास्ट प्रोडक्ट देख सकते हो तुम लोग, ग्रीन कलर का फुल स्लीव टी शर्ट है। इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मतलब एक टी शर्ट के टाइप ही मटेरियल है, बस थोड़ा सा थिक है। और इसका कॉलर मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसका ऐसा सीन है ना ये टी शर्ट का, कि यहाँ से चेस्ट पे से अगर देखने जाएंगे ना, मैंने ये एक नॉर्मल फिट टी शर्ट था, तो मैंने इसको एक्सेल या हाँ मैंने इसको डबल एक्सेल साइज में मंगाया। तो इसका फिटिंग मेरे को ऐसा आता है कि चेस्ट के यहाँ से मेरे को लूज होता है, और फिर जो इसके स्लीव्स है ना वो थोड़े से अजीब दिखते हैं। लाइक मतलब एकदम प्रॉपर ओवर साइज नहीं लगता है वो। तो इसके लिए अभी इसके साथ अपन बहुत अलग चीज़ करने वाले। लाइक अभी ये जो प्रीवियस प्रोडक्ट का जो अपन ने स्लीव्स कट किया था, वो स्लीव्स मैंने फेंका नहीं है भाई, वो स्लीव्स अपन इसमें यूज़ करने वाले, ठीक है। सो इसके पूरे स्लीव्स नहीं हटाएंगे अपन, वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। पहले इसका नॉर्मल तुम लोग फिटिंग देख लो। तो ये जो ग्रीन फुल स्लीव्स का टी शर्ट था, तो सबसे पहले मैंने इसको कट करके एक हाफ स्लीव्स का टी शर्ट बनाया। उसके बाद जो ब्लैक कलर के स्लीव्स बचे हुए थे, वो मैंने इसको यहाँ से जोड़ा है, देख सकते हो तुम लोग। और नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ और एक क्रेजी सा चीज़ अपन करने वाले, सो स्टे ट्यून्ड। और अभी इसका तुम लोग लुक देखो, अभी एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं भाई लोग। तो यही थे आज के सारे प्रोडक्ट्स, और तुम लोगों को ये पूरा अपसाइक्लिंग का वीडियो कैसा लगा, पांचों प्रोडक्ट के साथ में मैंने जो जो चीज़ें की हो कैसा लगा, कमेंट करो जैसा हमेशा करते हो ना। भर दो कमेंट भाई लोग, मतलब भरते जाओ, दो तीन कमेंट कर लो, एक ही जन दो तीन कमेंट कर लो, ठीक है क्या। सो मेरे को बताओ, और नेक्स्ट वीडियो अगर अपसाइक्लिंग पे ही चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपसाइक्लिंग पे ही डालूंगा, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो भी बहुत ज़्यादा डोप हो सकता है, क्योंकि जो मैंने स्केच जो मैंने बना के रखा है आउटलाइन, तो वो भी अभी मेरे को ट्राई करना है, तो वो भी एक अपसाइक्लिंग का वीडियो में डाल सकता हूँ। सो बस ये वीडियो को अपन यही पेंट करते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर देना अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो। सो बस आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, गुड बाय, पीस।